आज हम देखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। गाजेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले थ्री एप्लीकेशन हमारे पास गाजेस लॉ की, और तीनों की तीनों एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है गॉसियन सरफेस को। तो ये पहली एप्लीकेशन है, हमने सर्कल की फॉर्म में लिया, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने छोटा सर्कल बनाया हुआ है ये बेसिकली हमारे पास गॉसियन सरफेस है। तो अगर आप देखें तो ये सेंटर है उसका, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है आर, और दो तरह के हमारे पास सर्कल है, तो एक ये सर्कल का यहाँ तक सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस होगा गॉसियन सरफेस का, ये मैं इसे बोल देता हूँ आर प्राइम से दैट। तो आप देख सकते हैं गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो आर प्राइम है, और एक्चुअल जो हमारे पास सर्फेस है उसका रेडियस जो है हमारे पास आर है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आर इज ग्रेटर देन आर प्राइम, आर हमारे पास आर प्राइम से ग्रेटर होगा। इसके बाद हमने बाय डेफिनेशन कैलकुलेट करना है फ्लक्स, तो फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला वो फाई ई इक्वल होता है ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है। इससे हम जब फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे देन हम गाजेस लॉ से कंपेयर करेंगे। गाजेस लॉ से कंपेयर करने के बाद हमने बेसिकली कैलकुलेट यहाँ क्या करना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फाई ऑफ ई को मैं सिंपली लिख सकता हूँ ई डॉट ए। तो गाइस अगर हम बाय डेफिनेशन ऑफ गॉसियन लॉ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा इस स्फीयर का, इस सरफेस का बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ हमने कैलकुलेट करनी होती है बाद में। फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल फ्लक्स जो होता है चार्ज इनक्लोज दैट सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। हमेशा एक बात याद रखनी है, ये जो चार्ज होता है इनक्लोज्ड द सरफेस होता है, मतलब सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है इनक्लोज द सरफेस। तो अगर हम देखें तो ये सरफेस के ऊपर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, सरफेस के अंदर चार्ज जो है वो बेसिकली जीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो जीरो होगा बाय एप्सिलॉन नॉट समथिंग बाय एप्सिलॉन जीरो बाय समथिंग हमारे पास क्या आ जाता है जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो आप देखिए हमें दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, एक बाय डेफिनेशन ऑफ गॉसियन लॉ और एक बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों को हम कंपेयर करेंगे इधर, तो सिंपली हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर द वैल्यू ऑफ पाई ई। तो दोनों तरफ देखें यहाँ पे पाई ई की वैल्यू हमारे पास ई ए है, ई ए इज इक्वल टू यहाँ पे फाई ई की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है हमारे पास जीरो है। तो इट मीन्स दो चीजों का प्रोडक्ट जब जीरो होता है तो बेसिकली यहाँ तो हमारे पास फर्स्ट जीरो होती है, यहाँ हमारे पास सेकंड चीज जीरो होती है। तो गाइस आप याद रखिए जब हमने कोई भी सरफेस लिया तो उसका एरिया तो डेफिनेटली होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया डेफिनेटली एग्जिस्ट, सो एरिया कैन नेवर बी जीरो। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट ई इज जीरो। तो बेसिकली गाइज आपने ये, आप गूगल में भी सर्च करके देखेगा आपको वीडियोस में मिल जाएंगी, कोई भी स्फीयर जिसके अंदर चार्ज नहीं होता तो वहां पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होती है। तो यही हमने प्रूव करना था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ। हमारे पास होलो स्फीयर जब होगी उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो आएगी। थैंक यू।